12th क्लास स्टूडेंट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। मैं साक्षी आज आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की हमारी वीडियो पॉलिटिकल साइंस की आंसर की के लिए है। होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि पेपर बहुत बहुत ईजी है और आप सब 15+ या 18+ तो स्कोर कर ही रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए करते हैं आंसर की को स्टार्ट। स्टार्टिंग में आपके कुछ MCQs थे, सबसे पहले उनकी तरफ चल रहे हैं। फर्स्ट है गुट निरपेक्ष देशों के वर्तमान संख्या कितनी है। आपने क्षितिज द्वारा चैप्टर की वीडियो देखी हुई है तो आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं हो सकता था ये, और इसका आंसर बिना ऑप्शंस के भी आप दे सकते थे और ऑप्शन डी 120 इसका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो 1962, 1972, 1992 या 2001। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आप कंफ्यूज हो सकते थे, पर होना नहीं चाहिए। आपको फाइनल एग्ज़ाम से पहले अपने डाउट्स क्लियर करने हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई और यूरोपीय संसद की स्थापना कब हुई। जो यूरोप से रिलेटेड क्वेश्चन है उन सबको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1992। थर्ड MCQ था आपका, निम्न में से कौन सा सदस्य सार्क का सदस्य नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन करके आए हैं गलत, तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए अगर आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इसके ऑप्शन थे चीन, भारत, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 4th है शीत युद्ध किन दो गुटों से संबंधित है। तो इसका सीधा सीधा आंसर बी अमेरिका और सोवियत गुट था। लास्ट MCQs, आसियान में सम्मिलित सदस्य देशों की संख्या कितनी है। 8, 10, 12, 15। तो 10। ये 5 MCQ आपके ठीक होंगे और मैं चाहती हूँ कि ठीक हों। अगर ये ठीक नहीं है तो यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, जो मैं आज आपको 7 के 7 क्वेश्चन पूछती थी वो रह गए हैं, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन लास्ट में देने वाली हूँ ताकि आप अच्छे से कमेंट में उनका आंसर दे सकें। तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद 2 मिनट रुक के जाना, ऐसे भागना नहीं है। उसके नेक्स्ट है कि जो हमारे वनवर्स थे, क्वेश्चन है चकमा शरणार्थी समस्या किन दो देशों के मध्य बनी हुई है। तो ये भारत बांग्लादेश के बीच है। क्वेश्चन नंबर 7, पंचशील समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो भारत, चीन। सन 2006 में नेपाल एक डैश राज्य बन गया, तो गणराज्य बन गया था। उससे पहले वहाँ राजा शासन करता था, उसके बाद वहाँ गवर्नमेंट बनने लगी है। 9th इज क्या भारत आसियान का सदस्य है। तो नहीं, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट इज भारत ने शीत युद्ध में अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो भारत ने गुट निरपेक्षता की शुरुआत की थी। आपके जो 2 क्वेश्चन थे जो आपको थोड़े 20 से 30 वर्ड में लिखने थे, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या नाम है और इसका प्रचलन कब शुरू हुआ। तो इसकी मुद्रा का नाम यूरो है और इसका प्रचलन 2002 से शुरू हो गया था। तो आप इसको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करके लिख के आएंगे। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको बता दिया क्या होना चाहिए था, बट 2 से 3 का था तो आप अच्छे से लिख के आए होंगे। नेक्स्ट ये शिमला समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ है। तो शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था 1972 में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में शिमला समझौता होने का कारण बताएंगे कि किस वजह शिमला समझौता हुआ था। एंड लास्ट जो 2 क्वेश्चन आपके बड़े थे उनके तरफ चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 3 कारण। तो फर्स्ट इज कश्मीर समझौता या कश्मीर को लेकर विवाद। सेकंड, सिंधु नदी के पानी को लेकर बंटवारा। आप थर्ड इज आप आतंकवादी को लेकर लिख सकते हैं, और अगर आप लिख के आओगे तो गलत भी नहीं कर सकता कोई इसको, पर एज ए स्टूडेंट आपको एक मिडवे का रास्ता ढूंढना चाहिए। बिल्कुल ही पाकिस्तान को गलत ठहराना भी गलत है और बिल्कुल भारत को सही ठहराना भी गलत है। ठीक है, तो आप थर्ड जो है वो लिख सकते थे आतंकवाद, पर मैं चाहूँगी कि आप आतंकवाद को इस तरह से एक्सप्लेन करें कि ना तो ऐसा ही झलके कि हमेशा पाकिस्तान ही भारत की तरफ आतंकी भेजता है, और ना ही ऐसा झलके कि भारत हमेशा उनको बीच में मतलब टॉन्ट करता है। ऐसा फील नहीं होना चाहिए आपके आंसर में। लास्ट क्वेश्चन इज एक दुर्व्यवस्था के कोई 3 लाभ बताइए। तो एक दुर्व्यवस्था जब थी जब अमेरिका ही एक महाशक्ति रह गई थी, तो उसके बहुत से लाभ हुए। सबसे पहला लाभ, शीत युद्ध खत्म हुआ, हथियारों की होड़ खत्म हुई। दूसरा, वैश्वीकरण शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन। और थर्ड हम लिख सकते हैं कि
जो हमारे छोटे देश थे वो आगे बढ़ने में कामयाब होने लगे, क्योंकि उन्हें WHO, ILO जैसे महान या UNO जैसी संस्थाओं का सपोर्ट मिलने लगा था। आपकी आंसर की तो होती है ख़त्म, पर जो मैं कह रही थी कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो फर्स्ट इज गुट निपेश वर्तमान संख्या सदस्य कितनी है, ये आपने ठीक कर दिया। तो इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि गुट निपेश सदस्यता के प्रथम सदस्य कितने थे या कौन इसके मुख्य सदस्यों में गिने जाते हैं, प्रथम जो तीन थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता बनाई थी। और आप निम्न में से जो सार्क वाला था उसमें आप सार्क में जितने भी देश हैं उनके नाम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आसियान में सम्मिलित सदस्यों की संख्या 10 है, पर 10 वो कौन कौन से हैं वो बताएंगे आप मुझे। और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे बताएंगे कि शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच तो 1972 में हुआ है, पर भारत चीन के बीच शिमला समझौता किस टाइम हुआ और किस कारण से हुआ था, दोनों के कारण लिखेंगे आप लोग। और एक लास्ट क्वेश्चन इस पंचशील समझौता जो है उसमें 5 बातें कौन कौन सी हैं, आप ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताएंगे और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको।